स्वागत है और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष दो हजार के लिए बनाया गया है और यही पुस्तिका से आपको वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको आज हम पाठ कौन सा बताएंगे पाठ बाईस पाठ बाईस में क्या है गीता का मर्म चलिए गीता का मान पाठ बाईस क्या दिया है पूर्व तैयारी और निर्देश दिए हैं तो आपको क्या क्या पूर्व तैयारी करना है इस पाठ के जो प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जो शिक्षक है शिक्षक के निर्देश हैं और बच्चों के लिए पूर्व तैयारी शिक्षक छात्रों को श्रीमद भागवत गीता के विषय में सामान्य जानकारी के साथ चर्चा करें फिर नंबर दो दिया है कहानी का वाचन कराते समय कठिन शब्दों को चिन्हित कराते हुए उनके अर्थ स्पष्ट कराएँ पाठ में शिक्षा प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को बताएं तथा छात्रों में परोपकार सेवा भावना ज्ञान पिपाशा विधा का महत्व बताते एवं इसके विकास हेतु प्रेरक प्रसंग सुनाएं चैत्र निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहायक बताएं पाठ में आए शब्दों से पर्यावरची उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद तथा शब्दों से वाक्य निर्माण अभ्यास कराएं सामासिक पदों का विग्रह व समाज को पहचानने एवं निषेधवाचक वाक्यों को अभ्यास कराएं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताकर उनका अभ्यास कराएं तो ये आपको पूरी तैयारी इस प्रकार से कर लेना है कि जो पार्ट आपका बाइस है गीता का मर उस पार्ट को आप पूरा पढ़िए पार्ट को पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपको किस में दिए गए हैं आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका में एक से लेके बारह प्रश्न जो दिए रहते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करना है तो आप इन प्रश्नों को उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप पाठ का पूरा अध्ययन करेंगे देखो गीता का पाठ मर इस पाठ का उद्देश्य क्या है इस पाठ का उद्देश्य है कि एक कहानी है और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है जो शिक्षा है मात्र धनोपार्जन हमें धन प्राप्त करना और यश प्राप्ति का साधन नहीं है वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए ज्ञान

विद्वानों का आदर करते थे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दो पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है अभी आपको बताया था हमने इस पाठ का उद्देश्य क्या है इस पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है अभी आपको पढ़ के बताया हमने ए नंबर धनोपार्जन बी नंबर यश प्राप्ति सी नंबर लालच और डी नंबर मानव कल्याण तो इस पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन पार्थ नाम किसका है ए नंबर

गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवाण ने राजपाठ लेने से इंकार क्यों कर दिया <coughs> उत्तर देखिए पंडित गौवाण ने कहा कि मैं तो पंडित हूँ राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है इसलिए उन्होंने राजपाट लेने से इंकार कर दिया इस प्रकार आप प्रश्न नंबर पांच का उत्तर लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर छह विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था उत्तर देखिए उत्तर में है आधा राज्य न देने का लोग व कुटिलता के कारण अनंत पाल का व्यवहार बदल गया था देखो विद्वानों का आदर करने वाले अनंत पाल का व्यवहार आधा राज्य न देने का लोग व कुटिलता के कारण आनन्त पाल का व्यवहार बदल गया था इस प्रकार आप प्रश्न नंबर छह का उत्तर दे देंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर सात अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था उत्तर देखिए सत्य व न्याय की रक्षा दुष्टों का दमन असहायों की सहायता तथा धर्म की रक्षा हेतु अर्जुन ने धनुर्विद्या प्राप्त की है या उसका उद्देश्य यही है अर्जुन का उद्देश्य क्या था धनुर्विद्या सीखने का सत्य न्याय की रक्षा करना दुष्टों का दमन असहायों की सहायता तथा धर्म की रक्षा हेतु अर्जुन ने धनुर्विद्या प्राप्त की है इस प्रकार आप प्रश्न नंबर सात का उत्तर लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आठ अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ उत्तर देखिए अर्जुन का प्रसंग सुन, सुनने के बाद राजा समझ गया कि उसका कार्य जन कल्याण होना चाहिए ना कि राज भोग विलास इस प्रकार आप प्रश्न नंबर आठ का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर नौ प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है राजा आनंद पाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया प्रश्न क्या है आपका <coughs> राजा आनंद पाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया उत्तर देखिए राजा आनंद पाल ने पंडित गौवाण को हत्योत्साहित करने के लिए उससे झूठ बोला राजा की समझ में गीता का संपूर्ण सार आ गया था लेकिन आधा राज्य न देने के का लोभ व कुटिलता राजा के मन में क्षमा गई थी इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कंप्लीट होता है नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर दस महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंद पाल और पंडित गौवाण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था प्रश्न के यहाँ फिर से समझिए प्रश्न को महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था उत्तर देखिए महायोगी विशाखा के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवाण ने गीता के मर्म को नहीं समझा था स्वयं गौवर्ण गीता के मर्म को नहीं समझा क्या है स्वयं गौवर्ण गीता के मर्म को नहीं समझा देखिए यहाँ पे महायोगी विशाखा के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को नहीं समझा था स्वयं गौवाण के मर्म स्वयं गौवर्ण गीता के मन को नहीं समझा यदि वह समझ जाते जाता तो आधे राज्य की जिद नहीं करता और राजा आनंद पाल ने भी गीता के मन को नहीं समझा यदि राजा मर्म को सम... को नहीं समझा यहां पे दो बार लिखती हैं मर्म को नहीं समझा यदि राजा मर्म को समझ जाता तो इसको आप हटा दीजिए यहां से यहां पे डबल बार लिखे हो गया है इसको हटा दीजिएगा यहां से आप करेंगे स्टॉट यहाँ पे क्या कहा राजा आनंद ने भी गीता के मर्म को नहीं समझा उसके बाद यदि राजा मर्म को समझ जाता तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता परिवर्तन नहीं होता इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दस का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर ग्यारह विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा अनंत पाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए उत्तर देखिए विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा अनंत पाल को गीता का मर्म समझाने के लिए गीता का के लिए गीता महत्व उसके श्लोकों की विवेचना करते अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते थे इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर ग्यारह का उत्तर देंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका गीता का मर्म पाठ के अनुसार विधा प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है उत्तर देखिए गीता का मर्म पाठ के अनुसार विधा प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य दुष्टों का दमन असहायों की सहायता नारियों की रक्षा निर्बल को सबल बनाना तथा धर्म की रक्षा करना है प्रश्न नंबर बारह यहाँ कंप्लीट होता है इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न प्रश्न नंबर तेरह गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता गी का, तो गी गी का मर्म यानी वास्तविक ज्ञान क्या है उदाहरण सहित लिखिए तो देखिए गीता का मर्म पाठ के अनुसार मर्म निम्न है नंबर एक बिना फल की इच्छा के काम करने करते रहना चाहिए नंबर एक क्या कह रहा है बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना चाहिए नंबर दो निर्बल को सफल, निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए नंबर तीन नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए नंबर चार सत्य व न्याय की रक्षा करनी चाहिए नंबर पाँच लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए इस प्रकार आप प्रश्न नंबर तेरह का उत्तर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चौदह प्रश्न नंबर चौदह में क्या कहा है गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्ण अपने शब्दों में कीजिए देखिए इसका उत्तर गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण दोनों ही लोभी स्वभाव के व्यक्ति हैं आधा राज्य पाने के लोभ में पंडित गौवर्ण राजा को सरलतम रूप में गीता समझाने का प्रयास करता है इधर राजा अनंत <coughs> राजा आनन्द पंडित गौवर्ण द्वारा समझाई गई गीता को समझकर भी ना समझने की बात कहता है क्योंकि वह भी लोग के वूत होकर अपना आधा राज्य किसी को देना नहीं चाह रहा था राजा के मन में राज्य ना देने का लोभ उत्पन्न हो गया था राजा का व्यवहार भी बदल गया था इस प्रकार आप प्रश्न नंबर चौदह का उत्तर कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट बाइस पार्ट बाइट बाईस पार क्या है गीता का मर्म यहाँ पे समाप्त होता है यदि बच्चों आपको इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर आपको बताए प्रश्नों के उत्तर जो बताए आपको ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल दे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए